कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक तरंग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वर्ण ज्ञान का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। बच्चों, आप सब ने अपनी पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजन का अध्ययन किया होगा। स्वर क्या होते हैं? जैसा आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था, आ आ ई ई, ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वरों का अध्ययन करते हैं। आ अनार, आ आम, ई इमली, ई ई, उ उल्लू, ओ बड़े उसे ऊन, री ऋषि, ए एड़ी, आई ऐनक, ओ ओखली, औ औरत, ओ से ओखली और औ से औरत। तो ये सब क्या हैं? ये सब स्वर हैं। अब हम अध्ययन करेंगे व्यंजन का। व्यंजन, हिंदी में कुल व्यंजन होते हैं 33। और चलिए अब हम व्यंजन को पढ़ते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो चलिए अब हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। क से कमल, ख खरगोश, ग गमला, घ घर, अण खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जग, झ से झरना, अण खाली, ट टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध धनुष, न नल, प पतंग, प से फल, ब बस, भ, ये ब है और ये भ, भ भवन, म मछली, य यज्ञ, र रथ, ल लट्टू, व वक्त, श शरीफा, श षटकोण, स सर्प या फिर स से सपेरा, ह हल। अब हम अध्ययन करेंगे संयुक्त व्यंजन का। श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र श्रमिक। श्रमिक किसे कहते हैं? मजदूर को। इन्हें भी जाने। अ से अंगूर, ड पेड़ और ये क्या है? ड सीढ़ी। तो बच्चों, हमने स्वर और व्यंजन दोनों का अध्ययन करा। तो अब हम अध्ययन करेंगे दो वर्णों के शब्दों का। जब दो वर्णों से मिलकर शब्द बनाए जाते हैं, जैसे फ ल, जब हमने फ और ल को एक साथ जोड़ा तो वो क्या बना? फल। न ल नल, त ब तब, ब स बस, ध न धन, र थ रथ। इन सब में कितने वर्ण हैं? दो दो वर्ण हैं। बोल बोल कर पढ़ो। अब हम कुछ और दो वर्णों के शब्दों को पढ़ेंगे। कट कट, चट चट, रट रट, नट नट, पट पट, चल चल, जल जल, पल पल, नल नल, बल बल, तन तन, मन मन, धन धन, जन जन,
घन घन, कर कल, पर पर, चर चर, वर वर, भर भर, नर नर, शर शर, हर हर, डर डर, सर सर, खग खग, मग मग, डग डग, पग पग, ठग ठग, कम कम, थम थम, हम हम, छम छम, अटम तम। चलिए कुछ और वाक्य पढ़ते हैं दो वर्णों के। घर पर चल, तो ये एक वाक्य बना, घर पर चल। जल भर, जग रख, फल चख, खत पढ़, डर मत, बस पर चढ़, रथ पर चढ़, उठ कर चल, नल पर चल, छत पर चढ़ कर पढ़। तो वो क्या कह रहा है, छत पर चल कर पढ़। दो वर्णों के बाद अब हम अध्ययन करेंगे तीन वर्णों के शब्द, वो शब्द जिसमें तीन वर्ण होते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। क ल म, तो कितने वर्ण हुए, तीन। क ल म, कलम, म ट र, मटर, म ग र, मगर, न है र, नहर, श है द, शहद, है व न, हवन। तो ये सब क्या है, तीन वर्णों के शब्द, ये शब्द तीन वर्णों से मिलकर बने हैं। बोल बोल कर पढ़ो। अब और कुछ तीन वर्णों के शब्द दिए हुए हैं, हमें उन्हें बोलकर पढ़ना है। नहर नहर, शहर शहर, नगर नगर, अगर अगर, मटर मटर, पहले पहल, महल महल, नकल नकल, कमल कमल, सकल सकल, भट के भटक, पैट के पटक, पहले के पलक, न मै के नमक, च मै के चमक, गर में गरम, नर में नरम, शर में शरम, धर में धरम, चर में चरम, च में चमन, न में नमन, मैदन मदन, बैदन बदन, और बैटन बटन। चलिए अब और पढ़ते हैं। कमल झगड़ मत, कलश पकड़ कर चल, मटक मत, नहर पर टहल, कहाँ पर टहल, नहर पर, पदम महल पर चल, मटक मटक मत चल, भगत हवन कर, कलम रख, शहर चल, कलश कमल पर रख। दो और तीन वर्णों के बाद अब हम अध्ययन करेंगे चार वर्णों के शब्दों के बारे में। ये वो शब्द हैं जो चार वर्णों से मिलकर बने हैं। ब र ग द, बरगद, श ल ग म, शलगम, ब र त न, बर्तन, द म क ल, दमकल, त र क श, तरकश, श र ब त, शरबत। बोल बोल कर पढ़ो।
नटखट झटपट करवट खटपट पनघट गर्दन पलटन सहजन लटकन उलझन टम टम सरगम चम चम छम छम दम दम शरबत कटहल गड़बड़ अजरज सरकस। चलिए और पढ़ते हैं। गड़बड़ मत कर उपटन गर्दन पर मल बर्तन इधर रख कटहल उधर रख कसरत कर सरपट सर्कस चल शरबत चख नटखट मत बन झटपट अचकन पहन टमटम पर चढ़ अजरज मत कर। तो ये सब क्या हैं? चार वर्णों के शब्द। अब हम करेंगे पुनरावृत्ति। अ आ। अब हम अ और अ से मिले शब्दों का अध्ययन करेंगे। अक्षरों को मिलाओ और लिखो। तो यहाँ पर अ से अनार है और आ से आम। आपको शब्दों को मिलाना है और लिखना है। तो सबसे पहला है अजब। अजब कैसे बना? जब हमने अ और ज ब को मिलाया तो क्या शब्द बना? अजब। अ स र। जब हम अ के साथ स और र को मिलाएंगे तो क्या शब्द बना? असर। उसी तरह अब हम अ के साथ ग और रा को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा अ ग र अगर। चलिए आगे करते हैं। अब हम अ के साथ समान शब्द को जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? पहले हम लिखेंगे आ। आ से आम। उसके साथ हमने लिखा स म आ ना तो क्या बन गया? आसमान। अब आगे करते हैं। आ के साथ हमने माँ को लिखा तो शब्द बना आम। अ के साथ जब ग को लिखेंगे तो शब्द बनेगा आग। क्या शब्द बना? आग। मटके में रखे ई और ई छोटी ई बड़ी ई ऊ और औ छोटे उससे उल्लू बड़े उससे ऊन की मात्रा वाले कुछ शब्द आपस में मिल गए हैं छाटकर अलग अलग लिखो। तो यहाँ पर छोटी ई बड़ी ई छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्राओं के कुछ शब्द इस मटके में एक साथ मिल गए हैं। आपको उनको अलग अलग लिखना है। दिए हुए स्थान पर आप छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिखेंगे और दूसरे स्थान पर आप छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के शब्द लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ छोटे ई की मात्रा इस प्रकार होती है और बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार। छोटे ऊ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है और ये होती है बड़े ऊ की मात्रा। तो पहला शब्द है दिन। ये क्या है? छोटी की मात्रा का शब्द तो हम यहाँ लिखेंगे दिन। दूसरा शब्द है बकरी तो ये बड़ी की मात्रा का शब्द है हम यहाँ लिखेंगे ब क र र पे बड़ी की मात्रा बकरी। टिकट छोटी की मात्रा का शब्द यहाँ आप लिखेंगे टिकट टिकट। कील बड़ी की मात्रा का शब्द यहाँ आप लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा का शब्द। सुर छोटे ऊ की मात्रा का शब्द
तो यहां आप लिखेंगे छोटे उ की मात्रा का शब्द सुर। अगला शब्द है सुख, तो उसे भी हम यहां लिखेंगे क्योंकि ये छोटे उ की मात्रा का शब्द है। उसके पश्चात शब्द है छिलका, कीमत, कुल, जूता, बड़े उ की मात्रा का शब्द ज उ ता आ जूता, चूरा, झूला। तो बाकी बचे हुए शब्दों को उनके सही स्थान पर आप स्वयं लिखेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे ए और आई की मात्रा के शब्दों का। बोल बोल कर पढ़ो और अंतर समझो। एक तरफ ए की मात्रा के शब्द है और दूसरी तरफ आई की मात्रा के शब्द हैं। आपको उनको बोल बोल कर पढ़ना है और उनमें अंतर समझना है। पहला शब्द है फेल, मेल, रेल, बेल और चेन। तो इन सब में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है। दूसरी तरफ आई की मात्रा के शब्द हैं फैल, तो कैसी आवाज़ आ रही है, बड़ी ए की, फैल, मैल, सैल, बैल, चैन, वो चेन था ये चैन है, वो बेल था ये बैल है। तो दोनों में क्या है, अंतर है। प्रश्न दो, ए और आई की मात्रा वाले चार चार शब्द लिखो। तो बच्चों आपको पहले ए की मात्रा के चार शब्द लिखने हैं, फिर आई की मात्रा के चार शब्द लिखने हैं। तो ए की मात्रा का शब्द है केला, और क्या होता है, खेल, जो सबको पसंद होता है, सब बच्चों को। आई की मात्रा का शब्द है पैसा, सारा सामान किससे आता है, पैसे से आता है। दूसरा शब्द है थैला, बाजार से सामान लाने के लिए क्या लेके जाते हैं आप, थैला। बाकी के दो दो शब्द आप स्वयं लिखेंगे। बोल बोल कर पढ़ो और अंतर समझो। अब हमें अंतर समझना है ओ और औ की मात्रा में। तो चलिए पहले ओ की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं। और, शौक, कोना, गौरी, मोर, बोना, लोटा, खोलना, ये सब क्या है, ओ की मात्रा के शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे औ की मात्रा के शब्द। और, शौक, कौन, गौरी, वो गौरी था ये गौरी है, मोर ये है मौन, बोना, लोटा, खोलना, ये सब क्या है, औ की मात्रा के शब्द। शब्दों को पढ़कर सही मात्रा पर सही का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये कौन सी मात्रा के शब्द हैं। अगर वो ओ की मात्रा का शब्द है तो आप ओ पर टिक करेंगे, अगर वो औ की मात्रा का शब्द है तो आप औ की मात्रा पर चिन्ह लगाएंगे। फौजी, बताइए ये कौन सी मात्रा का शब्द है, ये औ की मात्रा का शब्द है। रसोई, तो रसोई ओ की मात्रा का शब्द है, तो हम ओ की मात्रा पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अब हम अध्ययन करेंगे अंग की मात्रा और चंद्र बिंदु के शब्दों का। बोल बोल कर पढ़ो और अंतर समझो। ये बिंदी अंग की मात्रा की होती है और ये चंद्र बिंदु होता है। जैसे हंस, तो न की आवाज आ रही है, रंग, चंदा, अंगूर, तंग, अंग, बुंदा, दंत, दंत कहते हैं दांत को। तो इन सब शब्दों पर अंग की बिंदी आई है। तो अब हम चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। हंसना, रंगना, चांद,
वो चंदा था, ये चांद है। अंगूठा टांगा अंगड़ाई बूंद दांत, वो दंत था, ये दांत है। बोल बोल कर शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए। अनुस्वार हम कहते हैं बिंदी को, अंग की बिंदी को, और अनुनासिक हम कहते हैं चंद्र बिंदु को। तो सबसे पहला है अदर, तो आपको बताना है इस पे बिंदी आएगी अनुस्वार की या अनुनासिक। ये शब्द बनेगा अंदर अंदर। दूसरा है बूंद, तिरंगा, तो तिरंगा पर भी बिंदी आएगी। कावर चंचल, चंचल पर चंद्र बिंदु आएगा। चांदनी चंद्र बिंदु। संसार प लंग न की आवाज आ रही है। उसी प्रकार बाकी दिए हुए शब्दों पर आप देखेंगे कि अनुस्वार आएगा या अनुनासिक आएगा, तो बाकी के शब्दों को आप खुद करेंगे। बच्चों अब हम अध्ययन करेंगे री, री ऋषि की मात्रा का, रेफ की मात्रा का और पदेन की मात्रा का। री ऋषि की मात्रा इस प्रकार होती है और रेफ की मात्रा इस प्रकार, ये ऊपर की तरफ लगती है और री ऋषि की मात्रा नीचे की तरफ। तो जैसे शब्द है मृग, तो इस पे री ऋषि की मात्रा आएगी। गृहिणी री ऋषि की मात्रा का शब्द। ग्रह कृपा मृतक वृष्म तृण सुदन मात्र कृपाण, तो ये सब क्या है, री ऋषि की मात्रा के शब्द हैं। अब हम अध्ययन करेंगे रेफ की मात्रा का। फर्श, तो र की आवाज आई। दर्पण पर्वत, तो पर र, र की आवाज आई, तो हमने र से रेफ की मात्रा लगाई। धर्म कार्य कर्कश गर्जन, इन सब शब्द में र की मात्रा या र की आवाज आ रही है, तो इसीलिए हम इन सब पर रेफ की मात्रा लगाते हैं। र पदेन की मात्रा के शब्द। क्रिसमस क्री र की आवाज आई, तो इसमें र पदेन की मात्रा लगेगी। ड्राइवर उम्र प्राण ड्रम फ्रॉक डापर प्रतीक भ्रमण मद्रास, ये सब र पदेन की मात्रा के शब्द हैं। आगे चलते हैं, पढ़ो और लिखो। अमृत अब मृदुल बन और ग्रह का सृजन कर। तो बच्चों एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, अमृत अब मृदुल बन और ग्रह का सृजन कर। तो बच्चों आपको इस वाक्य को दिए हुए स्थान पर दो बार लिखना है। दूसरा वाक्य है, अपना कार्य पूर्ण कर धर्म पर गर्व कर। फिर से पढ़ते हैं, अपना कार्य पूर्ण कर धर्म पर गर्व कर। तो इस वाक्य को भी आप दिए हुए स्थान पर दो बार लिखेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे संयुक्त व्यंजन का। देखो और समझो। क, क के पैर पर क्या है, हलंत है। तो अगर हमें कोई शब्द बनाना है जैसे कक्षा कक्ष, तो क श कक्ष श कक्षा, तो इसमें क के साथ दो संयुक्त व्यंजनों को मिलाया गया, तो शब्द बना कक्षा शमा शिक। तो ये सब शब्द क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अगला शब्द है पत्र, तो के पैर में हलंत
र और त्र तो बन गया पत्र। मित्र, शत्रु, त्रिशूल, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, आज्ञा, श्रम, श्रवण, श्रमिक, आश्रम। तो ये सब शब्द क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो बच्चों अब हम अध्ययन करेंगे बहरा खड़ी का। तो चलिए पढ़ते हैं। कक्का की कई, कुको के कई, को कऊ कन कह, खखा खी खी, खु खो खे खई, खो खऊ खा खह, गग्गा गी गी, गु गो गे गई, गो गौ गन गह, घघा घी घी, घु घो घे घई, घो घौ घन गह, चचा ची ची, चू चो चे चई, चो चौ चन चह, छछा छी छी, छू छो छे छई, छो छौ छह छह, जज्जा जी जी, जू जो जे जई, जो जौ जन जनहा, झझा जी जी, जू जो जे जई, जो झौ झन जहा, टट्टा टी टी, टू टो टे टई, टो टौ टन टहा, ठठा ठी ठी, ठू ठो ठे ठई, ठो ठौ ठन टहा, डड्डा डी डी, डू डो डे डई, डू डो डन डह, डडा डी डी, डू डौ डे डई, ढो ढौ ढन ढह, नाना नी नी, नू नो ने नई, नो नौ नन नना, टट्टा टी टी, टू टो ते तई, तो तौ तन तहा, थथा थी थी, थू थो थे थई, थो थौ थन तहा, ददा दी दी, दू दो दे दई, दो दौ दन दहा, धधा धी धी, धू धो धे धई, धो धौ धन दनहा, नन्ना नी नी, नू नो ने नई, नो नौ नन नन्हा, पप्पा पी पी, पू पो पी पई, पो पौ पन पह, फफा फी फी, फू फो फे फई, फो फौ पन फना, बब्बा बी बी, बू बो बे बई, बो बौ बन बह, भभा भी भी, भू भो भे भई, भो भौ भन बह, मम्मा मी मी, मू मो मे मई, मो मऊ मन मह, यया यी यी, यू यो ये यई, यो यौ यन यह, रर्रा री री, रू रो रे रई, रो रौ रन रहा, लल्ला ली ली, लू लो ले लई, लो लौ लन लह, वव्वा वी वी, वू वो वे वई, वो वौ वन वह, शशा शी शी, शू शो चे शई, शो शौ शन शह, शशा शी शी, शू शो शी शई, शो शौ शन
शाह। ससा सी सी सुसु से सई सो सौ सन सहा। हा हा ही हु हो ही हई हो हौ हन हा। शशा शिशि शु शु शै शै शो शौ शन शः। त्रत्रा त्रि त्रि त्रुत्रो त्रि त्रै त्रो त्रौ त्रन त्रः। ज्ञा ज्ञा गी गी ग्यू ग्यो ग्ये गई ग्यो गौ ज्ञान ज्ञः। श्रश्रा श्री श्री श्रु श्रो श्री श्रै श्रो श्रौ शरण श्रह। ये सब क्या थी? बारह खड़ी थी। विशेष, बारह खड़ी के साथ दिए गए अंग्रेजी लिप्यांतरण अथवा रोमन इंग्लिश का प्रयोग प्राय हिंदी के नामों को अंग्रेजी में लिखते समय किया जाता है। जैसे गंगा, जहाँ किसी ध्वनि के दो विकल्प दिए गए हैं वहाँ प्र प्रथम विकल्प प्रयुक्त होता है, जबकि दूसरा विकल्प शुद्धता के अधिक निकट है किंतु प्राय प्रयुक्त नहीं होता, जैसा कि और बू। तो बच्चों, वर्ण ज्ञान के अंतर्गत हमने दो तीन चार वर्णों का अध्ययन करा और हमने मात्राओं का अध्ययन करा। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आभार।